अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके पास जो हाज़िर हुई हूँ एक अच्छी सी रेसिपी लेके, जो कि हमारे पास ईद स्पेशल रेसिपी है। ईद आने वाली है और ईद पे अचानक से गेस्ट आ जाते हैं, तो उनको सर्व करने के लिए एक झटपट सी हम डिश तैयार करेंगे, ठीक है। जिसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं हमारे पास लेग पीस, ठीक है। चिकन लेग पीस आप ले लें और उनको आपने इस तरह से कट लगा लेने हैं, ठीक है। तमाम लेग पीस को आपने इस तरह कट लगा लेने हैं। कट देख लें आपकी कितना डीप कट है। साथ अब इसको मसाला लगा लेते हैं। मसाला लगाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि आपने ले लेना है एक पानी का बाउल, ठीक है। पानी आपने देखे मैंने ये यहाँ तक फिल कर लिया, अच्छा वाला जो है ज़्यादा सारा पानी ले लें। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर डाल लेना है हमने सिरका। 3 से 4 ढक्कन जो है वो इस सिरके के ऐड करेंगे हम इसके अंदर। ये मैं ऐड करती हूँ, ये देखें 3 से 4 ढक्कन जो है ना हमने इसके अंदर, थोड़ा सा और ले लेते हैं। इतना आपने ऐड कर लेना सिरका। सिरका हमने अब क्यों ऐड किया है कि अब हम इस सिरके वाले पानी के अंदर ही इन तमाम लेग पीस को जो है डिप कर देते हैं। सिरका ऐड करने का मकसद ये है कि जो मॉइस्चर होगा ना चिकन का वो मेंटेन रहेगा। जितने भी आप बाज़ार से लेग पीस लेते हैं और वो मॉइस्ट रहते हैं, इवन जो देग वाले होते हैं उनका चिकन भी अंदर तक मॉइस्ट रहता है। उसकी मेन रीज़न जो है ये यही होता है कि वो सबसे पहले उस चिकन को सिरके के पानी के अंदर जो है वो डिप करके रख लेते हैं। इस तरह से हमने जो है ये तमाम चिकन जो है इसके अंदर डिप करके रख देना है अच्छी तरह पानी के अंदर। और अब इसकी जो टाइमिंग है उसको आपने नोट कर लेना है, सिर्फ 20 से 25 मिनट जो है आपने इसको इस सिरके वाले पानी के अंदर चिकन को डिप रखना है। इससे ज़्यादा आपने इसको डिप नहीं रखना। ये देखें चिकन को मैंने स्ट्रेन कर लिया था इसमें से पानी। आपने एक चीज़ का एहतियात रखना है, जैसे आप पानी स्ट्रेन करेंगे इसमें से विनीगर वाला, तो आपने ऊपर से टैप वाटर ऐड नहीं करना। इसमें से सिर्फ वही ही पानी स्ट्रेन होने देना है। तो अभी भी स्टिल इसमें जो है समझ लें कि सिरके वाला पानी लगा हुआ है, ठीक है। अब हम इसके मसाले देख लेते हैं कि हमने मसाले कौन कौन से ऐड करने हैं इसके अंदर। ये है मेरे पास चाट मसाला, 2 चम्मच, ठीक है। ये है मेरे पास धनिया है 1 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच भर के, ठीक है। ये है भुना कुटा जीरा 1 चम्मच, फूड कलर 2 पिंच, साल्ट 1 चम्मच। ये है गरम मसाला, ये भी 1 चम्मच ऐड करना है। और ये है तिक्का बोटी मसाला, ये बाजारी फ्लेवर लाने के लिए, ये भी हमने 1 चम्मच ऐड कर लेना है। साथ है हमारे पास ऑयल, ये हम ऐड करेंगे 2 चम्मच, हॉट चिली सॉस 1 चम्मच, चिली सॉस 1 चम्मच। ये है मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट। ये है मेरे पास दही। दही आपने जो है एक चीज़ ख्याल रखना है कि दही आपने लेनी है खटी, ठीक है। दही जो है वो मीठी दही नहीं होनी चाहिए। घर में जो दही बनी होती है अगर वो हो तो वो बेस्ट है, अगर बाजार से लें तो खट्टी दही आपने लेनी है, ठीक है। और उसको क्या करना है कि आपने छाननी में जो है दही को निकाल के और रख लेना है, यानी कि ये दही का कर्ड है एक तरह से, ठीक है। इसमें से सारा पानी जो है वो दही का स्ट्रेन हुआ हुआ है और ये खाली जो है ये मतलब कर्ड है दही का। अच्छा जी, दही अब मैंने जो है इसमें डाल ली है। अब क्या करना है, सारे मसाले जो हैं इसमें ऐड कर लेना है। पहले सारे मसाले आपने दही में ऐड करने हैं, बाद में आपने जो है इसके अंदर चिकन डालना है। वरना क्या होगा कि जो मसाले हैं ना चिकन पे कहीं 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 होगा और कहीं नहीं होगा, ठीक है। अच्छी तरह से इवनली जो है वो लगा हुआ नहीं होगा मसाला, क्योंकि चिकन हमारा ड्राई है, तो जो मसाला जहाँ पर हम डालेंगे बस वो वही उसी जगह पर वही अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो बेहतर यह है कि पहले आप दही में जो है मसाला बना लें सारा। इस तरह से जो है वो सारे मसाले के अंदर आप जो है वो दही को मिक्स कर लें। साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं अपना चिली सॉस 2 चम्मच जो है हमने चिली सॉस इसके अंदर ऐड कर लिया है। 2 चम्मच ही हमने ऐड कर लेना है इसके अंदर हॉट सॉस। ये देखें बहुत ही अच्छे बनते हैं ये, आप बना के रखें ईद के लिए। जो भी आपके गेस्ट आए आप फौरन निकालें और इनको डिफ्रॉस्ट करने के बाद आप स्टीम करके और सर्व करें। और 2 चम्मच हमने डाल देने इसके अंदर ऑयल के, ये 1 चम्मच और 2 चम्मच जो है ये हमने डाल दिए ऑयल के। और अब हम इसको दोबारा से मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। क्योंकि मेरे पास लेग पीस की क्वांटिटी ज़्यादा है तो मैंने मसाले जो हैं वो उसी हिसाब से ऐड किए हैं। आपकी जितनी क्वांटिटी हो आपने उसी हिसाब से मसाले जो हैं ऐड कर लेने हैं। अब इसके बाद हमने जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो इसके अंदर ऐड कर लेना है और इसको अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेना है। अभी हमारा अच्छा सा मसाला तैयार हो गया है। अब मैं क्या करती हूँ, 1 बाय 1 इसके अंदर लेग पीस जो है वो डाल देती हूँ। सारे लेग पीस जो हैं वो मैंने इसके अंदर ऐड कर लेने हैं।
लेग पीस हमारे हो गया ऐड। अब हम क्या करते हैं कि अच्छी तरह से इसके ऊपर जो है मसाला लगा लेते हैं। मसाला आपने जो है वो बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर लगाना है, इस तरह से खोल खोल के ना लेग पीस को आपने फिर सारा मसाला जो है इसके अंदर लगाना है, ताकि डीप इनसाइड जो है वो मसाला लग जाए इनको। अच्छी तरह से जो है वो सारा मसाला लगा लेते हैं हम इसके ऊपर। यह आप देख सकते हैं कि मैं मसाला किस तरह से लगा रही हूँ, ठीक है। इस तरह से आपने अच्छी तरह से जो है ना सारा मसाला लगा लेना है, और इस डिश की आपने एक एक स्टेप को जो है वो फॉलो करना है। फिर ही जब आप सर्व करेंगे ना, तो आपके गेस्ट भी कहेंगे कि जी कोई चीज़ खिलाइए हमें, ठीक है ना। तो आपने इस तरह से जो है अच्छी तरह चिकन को सारा अच्छी तरह से मसाला लगा लेना है, एक एक लेग पीस को पकड़ना है और अच्छी तरह से मसाला लगा लेना है, ताकि इवनली जो मसाला है वो हर लेग पीस पे हो। ये देखें सारे चिकन को जो है वो मसाला लग गया, मुझे 2 से 3 मिनट लगे हैं और मैंने जो है वो सारे चिकन को जो है वो मसाला लगा लिया। अब इस स्टेज पे आप जो है इसको स्टोर कर सकते हैं। स्टोर आपने इसको किस तरह से करना है कि तीन तीन चार चार लेग पीस के जो है ना आपने शॉपर में पीस बना के रख लेने हैं, ठीक है। इसके शॉपर में डाल के अलग अलग से पैकेट्स बना के रख दें, ताकि एक सबको एक शॉपर में आपने डाल के नहीं रखना। उससे क्या होगा, अगर एक ही शॉपर में सब डाल के रख देंगे और अगर आप निकालेंगे तो फिर बाकी सारे भी डिफ्रॉस्ट हो जाएंगे और फिर वो मतलब ख़राब होने का उनके चांसेस होते हैं। तो आपने तीन तीन चार चार लेग पीस के जो है वो अलग अलग शॉपर बना के रख लें, फ्रीज़ कर लें उनको, ठीक है। और जैसे ही गेस्ट आए तो वो एक पैकेट दो पैकेट निकाल के जितने भी आपके गेस्ट हों तो उनको आप सर्व कर लें। इसको हम स्टीम फ्राई करेंगे, वो मैं आपको करके जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको स्टीम फ्राई भी किस तरह से करना है, ठीक है जनाब। अब बारी आ जाती है इनको स्टीम फ्राई करने की। तो हमने क्या करना है कि कुकर ले लेना है और उसके अंदर जो है मीडियम फ्लेम पे लेग पीस को इस तरह से आपने अंदर रख देना है, ठीक है। कोई एडिशनल ऑयल वगैरह कुछ ऐड नहीं करना। और अब हम इसके ऊपर जो है कुकर के ऊपर हम लिड दे के और इसको रख देते हैं। अच्छा जी, ये देखें 20 से 25 मिनट हो गए, इसको दम पे रखा हुआ था और अब इसमें से आप देख सकते हैं कि पानी निकल आया। अब हमने क्या करना है कि आंच को तेज़ कर देना है, ठीक है, फ्लेम हाई करके, और इसको इसका जो पानी है वो हमने खुश्क कर लेना है। ये देखिए जी, मैंने अपने जो स्टीम लेग पीस थे उनको मैंने डिश आउट कर लिया है और ये बहुत अच्छे बने हैं, खुशबू से ही लग रहा है। तो अगर आपको मेरी ये ईद स्पेशल रेसिपी अच्छी लगी हो तो ईद पे ज़रूर ट्राई करिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली दफ़ा दोबारा हाजिर होंगी एक अच्छी सी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, दुआ में याद रखिएगा।